So very good morning, my dear students. So as we are studying the topic diversity, so today we are going to study about this in the context of India. So India is a country of many diversity. यहाँ पे मैंने आपको starting से बताया है कि जो India है that is a land of diversity. Here the people speak different languages, have various type of food, celebrate different festival, practice different religion. सब कुछ अलग है, ठीक है. वी डू मेनी थिंग्स दैट आर सिमिलर. हम बहुत सारी चीजें हैं जो सिमिलर करते हैं, बट जो उनको करने का वे है दैट इज डिफरेंट. एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन अ डिफरेंट वे. मतलब अब इस चीज को हम कैसे समझते हैं, जस्ट कम ऑन द नेक्स्ट पेज. आपने नेक्स्ट पेज पे आइए. हियर सो different ways in which people pray. अब देखो, in India we are having many religions. तो हर एक religion को में जो pray करने का जो तरीका है that is quite different. ठीक है, जो हिंदू लोग हैं वो temples में worship करते हैं, उनका way of worship करने का तरीका अलग है. जो Sikh लोग हैं वो गुरबानी जो पाठ करते हैं, और जो Muslim हैं वो नमाज वगैरह पढ़ते हैं. तो हर एक का अपना way है to worship. Common क्या है कि सभी रिलीजन के लोग प्रे करते हैं, पर डिफरेंस क्या है, वे किस वे में वो वर्शिप करते हैं. नेक्स्ट इज डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड. अब हर एक का अपना अपना वे है कि कई चर्च में जाके शादी करते हैं, कोई गुरुद्वारे में जाके शादी करते हैं. तो हर एक का अलग वे है, ठीक है. देन डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस. हर एक का अपना वे है ड्रेसिंग का. अगर आप देखो साड़ी वियर करने का, हर एक एरिया का डिफरेंस आ जाता है कि किस तरह से साड़ी पहनी जाती है, किस तरह से जो मेन है वो धोती वियर करते हैं. एवरीवन, अगर हम बात करें कि हर लोग ड्रेस पहनते हैं, बट द वे इन विच दे ड्रेस अप देमसेल्फ दैट इज डिफरेंट. नाउ द नेक्स्ट डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट विद ईच अदर. नमस्ते, सत श्री अकाल, है ना, वालेकुम सलाम, तो इस तरह से हेलो, ठीक है. तो इस तरह से हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, पर हर एक मतलब जो लोग हैं वो कॉमन चीज क्या है, वी ग्रीट ईच अदर, बट द वे दैट इज डिफरेंट. नाउ पीपल डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक राइस. कई लोग सिंपल दाल चावल बना लिए, किसी ने बिरयानी बना ली, किसी ने वेज बिरयानी बनाई, किसी ने नॉन वेज बिरयानी बनाई, किसी ने पुलाव बनाया, ठीक है. तो उस तरह से जो वे ऑफ कुकिंग है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट. तो जो मैंने अभी आपको पहले बताया दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दो वी आर सिमिलर, कहीं ना कहीं जो वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट द वे वी डू दैट. जो हमें उन्हें करने का तरीका है दैट इज डिफरेंट. आई होप विद दिस यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि हम अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनका वर्शिप करने का तरीका अलग है, ग्रीट करने का तरीका अलग है, कुकिंग करने का तरीका अलग है, ड्रेस पहनने का तरीका अलग है, बट वी आर यूनाइटेड. हम फिर भी इंडिया का पार्ट हैं, ठीक है. तो जो हमारा टॉपिक है दैट इज डाइवर्सिटी इन इंडिया. उसके बाद हम करेंगे हाउ डू वी एक्सप्लेन. अब इस डाइवर्सिटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब पहले की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट सम 200 years back, तो पहले क्या था कि उस टाइम पे हमारे डेवलप हुए थे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हुए थे, पर उससे भी पहले जो अर्ली ह्यूमन थे दे यूज टू ट्रेवल बाय ऑन फुट. ओके, दे कवर द लॉन्ग डिस्टेंसेज विद द हेल्प ऑफ उस टाइम पे शिप्स होती थी, बोट्स होती थी, या एनिमल्स होते थे. दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन द हिस्ट्री ऑल्सो. That people traveled from place to place either to explore new places or for the trading purpose, or कई areas में natural disasters आ जाते थे. So they went in search of new lands. चाहे वहां रहने के लिए, चाहे वहां trading करने के लिए, चाहे अपने आप को natural disasters से बचाने के लिए. So they moved from one place to another. अब उस time पे they faced a lot of problems. डेजर्ट्स आते थे, माउंटेन्स आते थे, तो दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो उस टाइम पे व्हेन दे सेटल डाउन इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो वहां पे जब ट्रेडिंग के पर्पस से या किसी भी पर्पस से अगर दूसरे एरिया में गए हैं तो दे स्टेड देयर, वहां पे रुक जाते थे, वहां पे अपना घर बना लेते थे,
वहां पे रहना स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि उनको पता था कि अब हमने इतना डिस्टेंस कवर किया है तो हम कुछ टाइम तो यहाँ रह के ही जाएंगे. सो एट दैट टाइम दे ऑल्सो लर्न द थिंग्स ऑफ न्यू प्लेसेस. जो वो न्यू प्लेसेस में जहां जाते थे तो उनका कल्चर, उनकी ईटिंग हैबिट्स उनके साथ मिक्स हो जाते. अब जैसे आपने बताया कि आपकी क्लास में भी कई बच्चे जो हिमाचल से हैं, उत्तराखंड से हैं, अब उनका कल्चर अलग है. बट नाउ प्रेजेंटली दे आर लिविंग इन पंजाब. पंजाब का कल्चर तो अब उन्होंने अपने ओल्ड कल्चर और न्यू कल्चर को मिक्स कर लिया है. उन्होंने यहाँ के फेस्टिवल्स भी मनाने शुरू कर दिए हैं, यहाँ का जो ईटिंग हैबिट्स है, जो यहाँ का जो फेमस फूड है वो भी खाना शुरू कर दिया है. लैंग्वेज, इवन दे ट्राई टू स्पीक पंजाबी, उनकी अपनी लैंग्वेज भी है. सो अब उनका क्या हो गया, मिक्सिंग ऑफ कल्चर. दे मिक्स देयर ओल्ड कल्चर विद द न्यू कल्चर. एंड दैट वॉज सेम हैपेंड इन द एंशियंट टाइम, कि जो लोग ट्रेवलिंग करते थे आइदर इन सर्च ऑफ वर्क और फॉर टू ट्रेडिंग पर्पस, और मे बी वहां पे डिजास्टर्स आते थे, व्हेन दे सेटल डाउन इन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे ऑल्सो स्टार्टेड लर्निंग द न्यू कल्चर, न्यू म्यूजिक, न्यू रिलीजन, एंड दे मिक्स विद दैट. अब क्योंकि ये सब चीजें हमने हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में पढ़ी है, तो इट मीन्स हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर. हर एक एरिया का, मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक एरिया का अपना लाइफ है, अपना कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है. दोज हु बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश, उनका अलग ट्रेडिशन है, अलग कल्चर है. दोज हु लिव इन फगवाड़ा, दोज हु बिलोंग टू पंजाब, उनका अलग कल्चर है. सो द पीपल इन द पास्ट और इन द प्रेजेंट, दे ट्राई टू लर्न और मिक्स दीज कल्चर्स एंड दे केम अप विद न्यू थिंग्स. हम साउथ इंडिया में नहीं रहते, वी आर लिविंग इन नॉर्थ इंडिया, बट वी प्रेफर टू ईट साउथ इंडियन फूड. हम सांभर बनाना, इडली, डोसा ये प्रेफर करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम उसको नॉर्थ इंडियन टच भी दे देते हैं. इट मीन्स बेसिकली वो डिश साउथ इंडिया की है, हम मिक्स करके उसको कुछ एक नई चीज बना लेते हैं. ठीक है, और जिस तरह हिस्ट्री का इफेक्ट पड़ता है, ज्योग्राफी का भी इफेक्ट पड़ता है, कि जो डाइवर्सिटी है दैट ऑल्सो कम्स अबाउट द एरिया द पीपल लिव. जो माउंटेन्स में एरिया लोग रहते हैं और जो प्लेन एरियाज में रहते हैं उनका लाइफ स्टाइल टोटली डिफरेंट होगा. जो कोस्टल एरिया के लोग हैं या डेजर्ट एरिया के लोग हैं उनका लिविंग स्टाइल भी टोटली डिफरेंट होगा. वहां पे वेजिटेशन, एनिमल्स, द ऑक्यूपेशन, वो सभी के सभी अलग होंगे. ओके, अब जैसे आपके फ्रेंड्स ने बताया कि दे बिलोंग टू हिमाचल, उत्तराखंड. ठीक है, अब मोस्टली दीज आर द हिली एरिया, है ना. अगर आप अनवी, जस्ट रेज हैंड. ओके, अवनी देखो, यू बेसिकली जो आप, जब आप मे बी आप उत्तराखंड जाते होगे, है ना, तो हिली एरिया है, वो हिली एरिया है. ठीक है, yes, तो वहां पे जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क है, इज इट इजी टू डू कंस्ट्रक्शन ओवर देयर? वहां कंस्ट्रक्शन करना इजी है? मैम नो, मैम देयर आर नॉट मोर डेवलप्ड रोड्स देन दे आर इन पंजाब. ओके ओके, तो जब आप उत्तराखंड जाते, उत्तराखंड या पंजाब में देखते हो, तो इसका मतलब वहां पे कुछ कल्चर में भी डिफरेंस है, दैट यू हैव ऑलरेडी टोल्ड अस, है ना. आपने कहा था लैंग्वेज, व्हिच लैंग्वेज स्पीक ओवर देयर? मैम द मेन लैंग्वेजेस आर कुमाऊनी एंड गढ़वाली. आपके एरिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मैम गढ़वाली, बट मैम मेनी पीपल स्पीक इन हिंदी ओनली, लाइक माय फैमिली मोस्टली स्पीक इन हिंदी. और डू यू स्पीक गढ़वाली एंड पंजाबी बोथ? आर यू कंफर्टेबल टू स्पीक पंजाबी? Yes, ma'am. But ma'am, most of the time, our whole family speak in Hindi only. Okay. Our mother tongue is. Okay. So as we listen the experience of Avni ki वहाँ पे कैसी language बोली जाती है, means of जो transportation है वो इतने ज़्यादा developed नहीं है as she compared with the Phagwara. So जब भी हम geographically बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो पीपल है, दे आर हैविंग डिफरेंट क्लोथिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, उनके काम अलग हो सकते हैं. और आप सिंपल देखो, दोज हु आर लिविंग इन द रूरल एरियाज एंड दोज हु आर लिविंग इन द अर्बन एरियाज, वी आर लिविंग इन अर्बन एरियाज.
हम क्या है अर्बन एरियाज में एग्रीकल्चर नहीं होती, बट वी आर डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट जहां से हम इन सब चीजों को परचेज करके लेके आते हैं। और वो मार्केट में चीजें कहाँ से आ रही है, जहां पे ये चीजें ग्रो करती है, बेसिकली फ्रॉम द रूरल एरिया, ठीक है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन चीजों को लाया जाता है। और नाउ वी आर गोइंग टू लर्न विद द रेफरेंस ऑफ लद्दाख एंड केरल। अब आपने पढ़ा है कि देयर आर deserts, there are two type of desert, one is hot desert, other is cold desert. अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख is also a desert. लद्दाख क्या है? Desert है, but it's a cold desert. तो ये कहाँ पे lie करता है, इसकी location कहाँ पे है? In the east of Jammu and Kashmir. अब क्योंकि ये cold desert है, अगर जब हम hot desert की बात करते हैं, there is a stretch of sand. यहाँ पे क्या है? Stretch of snow. हर जगह आपको स्नो देखने को मिलती है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर करना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। एंड दिस एरिया डज नॉट रिसीव अ गुड रेनफॉल, ज्यादा रेनफॉल भी नहीं होती है, इट्स टोटली कवर्ड विद द स्नो। मे बी इन फिफ्थ क्लास यू स्टडीड अबाउट ग्रीनलैंड, है ना, ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ा था, तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड विद द स्नो थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो ये जो एरिया है दैट इज ऑल्सो कवर्ड विद द स्नो, और यहाँ पे बहुत ही कम ट्रीज देखने को मिलते हैं। अगर आप वेजिटेशन की बात करो, माउंटेन एरियाज की वेजिटेशन डिफरेंट होती है प्लेन एरिया से, क्योंकि माउंटेन एरियाज में स्नोफॉल होती है, तो आपने मे बी माउंटेन एरियाज की वेजिटेशन पढ़ा होगा कि वहां के जो ट्रीज होते हैं उनकी नीडल लाइक लीव्स होती हैं, उनकी कोन शेप उनका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे भी जो ट्री ग्रो करते हैं दैट आर वेरी फ्यू इन नंबर, और लोगों को पीने का पानी कैसे मिलता है, दे डिपेंड ऑन मेल्टिंग स्नो, ठीक है। समर मंथ्स में जब स्नो मेल्ट करती है देन दे डिपेंड अपॉन द, और अदरवाइज अगर ना भी हो तो दे यूज टू मेल्ट द स्नो। अब यहाँ पे एनिमल्स, पीपल यहाँ पे क्या मेन क्या काम करते हैं, दे यूजली रियर द एनिमल्स, उन एनिमल्स को शीप एंड गोट। आपको पता है कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है, जो ये एरिया है, दैट इज फेमस फॉर द पश्मीना वूल। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही वार्म वूल है, तो जो ये शीप एंड गोट्स हैं, दीज आर रियर टू गेट दिस पश्मीना वूल, और ये बहुत ही कॉस्टली है। पश्मीना वूल की क्वालिटी पता क्या है, कि जो शॉल्स बनी होती है ना पश्मीना वूल से, उस वो आप रिंग में से, पूरी रिंग में से वो पूरी शॉल निकल जाती है, और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। दैट्स वाई जो यहाँ के लोग हैं, दे प्रेफर टू रियर शीप एंड गोट, एंड उसके बाद वो पश्मीना शॉल्स को वूव करते हैं विद दिस पश्मीना वूल। Now, अब यहाँ के लोग खाते क्या हैं? यहाँ के लोग, the people eat meat and milk products, cheese and butter. यहाँ पे goats हैं, cows हैं, ozos हैं, ये याक cows होती हैं, that also reared over here. And being a, यहाँ, being a, it's a desert, क्योंकि यहाँ desert है, but it attracts so many traders. ये एक तरह से रास्ते का काम करता है, मतलब जो लद्दाख है, अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा, जो लद्दाख है, That also touches with the China. तो China में एक प्लेस है तिब्बत, तो तिब्बत पहुंचने का भी रास्ता यहीं से है। तो माउंटेन्स के बीच में कुछ अब यहाँ आता है मैनी पासिस। अब माउंटेन्स के बीच में कुछ एरिया होता है जहां पे लोग ट्रेवल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, सो पीपल ट्रेवल थ्रू दिस पासिस। सो मैनी ट्रेडर्स ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू चाइना, ठीक है। तो आज जैसे तिब्बत वगैरह जाते थे, वहां पे ट्रेडर्स जाते थे, तो वहां पे क्या लेके जाते थे, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, सिल्क, कारपेट, ये सब। और चाइना से, चाइना ने भी जो था वहां पे सिल्क का इन्वेंट किया था, तो चाइना से भी सिल्क हमारे कंट्री में आया करती थी। सो ट्रेडर्स यूज दिस पासिस फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, ओके। अब आता है यहाँ पे कि बुद्धिज्म, इंडिया इज अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन। यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलीजन ओरिजिनेट मतलब जो यहाँ पे ही स्टार्ट हुए हैं, जैसे हिंदुइज्म, सिखिज्म, ठीक है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जो ये रिलीजन है इनकी स्टार्टिंग कहाँ पे हुई है, इंडिया में हुई है। जबकि जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये दूसरे नेशन से हमारे यहाँ पे आए हैं। तो बुद्धिज्म भी जो यहाँ से लद्दाख से तिब्बत में पहुंचा है, तिब्बत वाया लद्दाख से होते हुए तिब्बत में पहुंचा है, इसलिए जो लद्दाख है दैट इज ऑल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत। इट मीन्स लद्दाख में कौन से रिलीजन फेमस है, वन इज बुद्धिज्म, अदर इज इस्लाम। यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी भी रहती है, तो
Islam was introduced in this region more than 400 years ago. इस एरिया में एक और रिलीजन जो है पाया जाता है, दैट इज इस्लाम. मुस्लिम पॉपुलेशन भी है यहाँ पे. तो अभी तक हमने पढ़ा कि ये एरिया कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में. यहाँ के लोग शीप, गोट या इन चीजों को रियर करते हैं. शीप एंड गोट को किस लिए रियर किया जाता है? फॉर द पश्मीना वूल. और यहाँ के लोग क्या खाते हैं? मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स. ठीक है, और यहाँ पे कौन से रिलीजन हमें देखने को मिले हैं? दैट इज, वन इज बुद्धिज्म, अदर इज इस्लाम. नाउ लद्दाख हैज अ वेरी फेमस ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम. अब ये ओरल ट्रेडिशन क्या होता है बेटा? आज के टाइम पे हमारे पास जो भी चीज है उसका रिटन अकाउंट है ना, सब कुछ लिखा होता है. पर कुछ ऐसी नॉलेज, कुछ ऐसे आइडियाज जिनको हम रिसीव करते हैं, प्रिजर्व करते हैं या दूसरों को बताते हैं थ्रू ओरली, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वो पोएम्स, वो सॉन्ग्स कैसे ट्रांसमिट किए गए हैं ओरली. ठीक है, तो वहां पे कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है. तो दे है, द लद्दाख इज हैविंग अ रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम. और वहां पे जो फेमस, जो वहां की जो फेमस चीज है, दैट इज नेशनल एपिक ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक, दैट इज केसर सागा. अब एपिक क्या होता है? एपिक होता है महाकाव्य. हमारे इंडिया के महाकाव्य हैं महाभारत एंड रामायण, लॉन्ग कंपोजिशंस. ठीक है, इनको जैसे आपकी बुक्स में पोएम होती है, कितने पेज की होती है? 2 पेज की, 1 stanza, 4 stanzas, इतनी पोएम होती है ना. पर जो ये एपिक्स होते हैं, ये बहुत ग्रैंड कॉम्पोजिशंस होती हैं और जिसमें हीरोइक वर्क को बताया जाता है, मेन एंड वीमेन का. ठीक है, तो ओरली वो कौन से सॉन्ग्स, कौन सी चीजों को गाते हैं जो उनका तिब्बतन का जो नेशनल एपिक है, दैट इज केसर सागा, दैट इज परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट. ये दोनों जो कम्युनिटीज हैं, इसको ओरली ट्रांसमिट करके सॉन्ग्स के थ्रू लोगों को ये चीजों के बारे में बताते हैं. Now the second is Kerala. अब जो Kerala है, that is the state in South West, हमने पता है, हमने locate भी किया हुआ है. So जो हमारा South India है ना, that is famous for the spices. शुरू से ही जो traders थे ना, they attracted towards the South India, क्योंकि that place is famous for spices. अब जो Kerala है, यहाँ पे कई तरह की spices grow होती हैं, like pepper, cloves, cardamoms. Pepper क्या होती है? मिर्च. Cloves क्या होती है? लौंग. कार्डमम्स क्या होती है? इलायची, छोटी इलायची. ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत फेमस है. अब देखो, आप डिफरेंस भी कर सकते हो. लद्दाख में कहीं पे भी एग्रीकल्चर नहीं थी. अगर हम केरला की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर है. अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो लद्दाख का क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड. एंड इफ वी टॉक अबाउट केरला, केरला क्या है? एक तरह से कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है. ठीक है, तो क्लाइमेट में भी डिफरेंस है. अगर देखो वो साउथ, ये साउथ ऑफ इंडिया में है, साउथ वेस्ट इंडिया, वो नॉर्थ इंडिया में लोकेट करते हैं. तो वी कैन मेक इट डिफरेंट ऑल्सो, ज्योग्राफिकली इसमें डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे काफी सारे ट्रेडर्स अट्रैक्ट हुए हैं, लाइक ज्यूइश. ज्यूइश कहाँ से आए हैं? इजराइल. मिडल ईस्ट में ये कंट्री है, यहाँ से ये ज्यूज वगैरह आए हैं. अरब ट्रेडर्स, अरब कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया से यहाँ आए हैं. और ये आए हैं थ्रू द सी वे. ठीक है, सी रूट से होते हुए हमारे यहाँ पे आए हैं, केरला में आए हैं. ठीक है, देन अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हेयर नियरली 2000 इयर्स एगो. मतलब हमारे यहाँ पे जो इंडिया में जो क्रिश्चियनिटी पहुंची है, वो किसके थ्रू पहुंची है? द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट हुज नेम वाज सेंट थॉमस. अब अपोस्टल क्या होता है बेटा? जो जीसस क्राइस्ट थे, इन्होंने 12 men को अपॉइंट किया था, चुना था. ठीक है, टू स्प्रेड हिज टीचिंग्स, अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने 12 लोगों को चुना था. तो उन 12 लोगों में से जो एक थे, दैट वाज सेंट थॉमस. सो ही केम ओवर हियर अराउंड 2000 इयर्स अगो एंड ही इज क्रेडिटेड विद द ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया. तो ये माना जाता है कि इनके यहाँ आने से, मतलब इनके आने से हमारे यहाँ पे इंडिया में जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन है वो यहाँ पे आया. बहुत सारे अरब ट्रेडर्स भी आए सऊदी अरेबिया वाली साइड से, वो भी ट्रेडर्स यहाँ पे सेटअप हुए. अब यहाँ पे एक हुआ, एक पर्सन है, आईबीएन बतूता, इबन बतूता.
He also came here, he settled down here, and he also wrote a travelogue. Travelogue क्या होता है? Written accounts. जब ये जो travelers होते हैं, जब ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो उसका written account रखते हैं, तो इन्होंने भी अपना written account रखा. तो उसने उसने बताया कि in Kerala he described the lives of Muslims. Muslims की lives के बारे में बताया. तो उसने कहा कि जिस time पे वो यहाँ पे आया तो जो Muslims थे That were a highly respected community. मतलब उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी, ठीक है. और यहाँ पे कौन आए? पोर्तुगीज, पोर्तुगाल से. पोर्तुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट. अब ये हम जीके का क्वेश्चन करते हैं ना, हु डिस्कवर्ड द सी रूट, है ना. तो पोर्तुगीज है, पोर्तुगीज सेलर कौन? वास्को डी गामा. तो उसने भी जो उसकी जो शिप थी वो सबसे पहले कहाँ पे लैंड हुई थी? इन केरला, ठीक है. तो बहुत सारे ट्रेडर्स आए हैं, अरब्स, Jews, ठीक है, Portuguese traders are came over here. तो इनका influence रहा है. तो because of the influence यहाँ पे religion कौन कौन से हुए हैं? Judaism, Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism. तो यहाँ पे ये सारे religion है. जबकि लद्दाख में कौन कौन से थे? Buddhism and Islam. यहाँ के लोग और क्या काम करते हैं? Fishing. अब fishing करने के लिए they use net. फिशिंग को जब वो फिशेस को पकड़ते हैं दे यूज नेट. और जो ये नेट है वो कहां से आता था? चाइना से. चाइनीज फिशिंग नेट दे यूज. तो जिसको वो अपनी लैंग्वेज में कहते थे चीना वाल. जैसे हम वर्ड यूज करते हैं ना चाइना, तो उसे जो नाम दिया गया था द चाइनीज नेट दे यूज फॉर द फिशिंग दैट इज कॉल्ड चीना वाल. उसी तरह जो बर्तन जिसमें वो फिश को या फ्राइंग करते होते थे तो उसको कहा गया चीना चाटी. जैसे हमारे यहाँ पे चाइनीज बर्तन होते हैं ना, चाइनीज बाउल होते हैं, हम कहते हैं कि बोन चाइना के बने हुए, ठीक है. तो उसके लिए उन्होंने वर्ड क्या यूज किया? चीना चक. नेट के लिए चीना वाला, और उसके लिए यूटेंसिल्स के लिए जिसमें वो फ्राई करते होते थे उसको कहा चीना चक, ठीक है. तो यहाँ के लोग फिशिंग भी कर रहे थे, अलोंग विद दैट दे ऑल्सो ग्रोइंग द क्रॉप्स. यहाँ के लोग क्रॉप्स भी ग्रो कर रहे थे लाइक राइस, ठीक है. तो मेजोरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल. लद्दाख के लोग क्या खा रहे थे? लद्दाख के बारे में जब हमने पढ़ा, द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. सो हेयर इन केरला द पीपल ईट फिश, राइस एंड वेजिटेबल. वहां पे कल्टीवेशन नहीं थी, यहाँ पे कल्टीवेशन थी. पर दोनों ही एरियाज में ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया है. बोथ एरियाज अट्रैक्टेड द ट्रेडर्स. रिलीजन की बात करें, कॉमन रिलीजन इस्लाम और बुद्धिज्म दोनों ही एरियाज में स्प्रेड हुए हैं. बट इन केरला जुडाइज्म वाज देयर, सो इस क्रिश्चियनिटी इज आल्सो देयर, हिंदुइज्म इज आल्सो देयर, ठीक है. अब हमने दो एरियाज को पढ़ा. सो दीज टू एरियाज समवेयर हाउ सिमिलर विद ईच अदर, बट दे आर डिफरेंट आल्सो. सो आई होप आपको इसमें डाइवर्सिटी का मतलब भी क्लियर हुआ होगा.